चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजमगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सपा सरकार में आजमगढ़ वासियों पर शक था, जहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सपा सरकार में आजमगढ़ वासियों पर शक था, बीजेपी की सरकार ने उस फर्क को मिटाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सपा की जब सरकार थी तब आजमगढ़ वासियों पर शक किया जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस फर्क को मिटाया है। चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों भाइयों, लेकिन निरोवा ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया।